40 की एज एक ऐसी एज है जब हम महिलाओं के शरीर में बहुत सारे बदलाव, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं और ये चेंजेस शारीरिक तौर पर भी बहुत डिस्टर्बिंग होते हैं और मानसिक तौर पर भी बहुत डिस्टर्बिंग होते हैं। जी हाँ, 40 की एज के बाद शुरू हो जाता है प्री मेनोपॉजल पीरियड जो कि काफ़ी कष्टकारी होता है। और ऐसे में अगर आप अपनी डाइट का ठीक से ख्याल रखते हैं, अपना ठीक से ख्याल रखते हैं, तो ये पीरियड आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा और आपको बहुत सारी बीमारियों या बहुत सारी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इसके विपरीत होता क्या है, नॉर्मली हम लेडीज़ अपने घर में सभी चीज़ों का ध्यान रखती हैं, घर ठीक से साफ़ सुथरा होना चाहिए, बच्चों का टिफ़िन टाइम पर तैयार हो जाना चाहिए, हस्बैंड का टिफ़िन टाइम पर तैयार हो जाना चाहिए, हर एक रिश्तेदार को भी हम अटेंड करेंगे बहुत अच्छे से। अगर महिलाएँ वर्किंग हैं तो काम पर भी पूरा फोकस रहता है, लेकिन लापरवाही होती है अपनी हेल्थ के साथ, अपनी डाइट के साथ, जिसकी वजह से समय से पहले ही झुर्रियाँ आने लगती हैं, जिसकी वजह से समय से पहले ही बाल सफ़ेद होने लगते हैं, जिसकी वजह से बीपी, डायबिटीज़, मोटापा, अर्थराइटिस, ये सब बीमारियों का शिकार हो जाती हैं महिलाएं, हार्मोनल इम्बैलेंस का शिकार हो जाती हैं, पीसीओडी, थायराइड, फाइब्रॉइड्स, ये सब मोस्टली महिलाओं में इस दौरान, इस पीरियड के दौरान ज़्यादा जन्म लेते हैं, बिकॉज इस समय खास केयर की जरूरत होती है जो हम अपने शरीर को नहीं देते हैं। हेलो, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं पूजा लूथरा, दिल से स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज का वीडियो खास तौर पर उन महिलाओं के लिए है जो कि 40 की एज के करीब है या 40 की एज क्रॉस कर चुकी हैं। उनको अपनी डाइट में क्या शामिल करना चाहिए ताकि हार्मोनल इम्बैलेंस, प्री मेनोपॉजल प्रॉब्लम्स और साथ ही साथ दूसरी प्रॉब्लम्स आपके शरीर में ना आए। तो आज के वीडियो में सिर्फ तीन चीज़ें आपको बताऊंगी। इन तीनों चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं, अपनी डाइट में यूज़ करते हैं, तो डेफिनेटली आपकी जो अवस्था है मेनोपॉजल पीरियड में वो काफ़ी हद तक सामान्य रहेगी, आपको मूड स्विंग्स नहीं होंगे, आपके डाइजेशन में खराबी नहीं आएगी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो कि मेनोपॉज के समय होती हैं वो नहीं होंगी। तो क्या करना है, कैसे करना है, ध्यान से देखिएगा। और ये वीडियो हर एक 40 की एज की महिला के पास ज़रूर पहुंचना चाहिए, बिकॉज हम लोग अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा, अपना ध्यान खुद ही रखना है। जी हाँ, अगर हम अपना ध्यान रखते हैं तभी हम अपने परिवार का, अपने ऑफिस में अपने जॉब का भी ध्यान रख पाएंगे। लेकिन हम अपना ही ध्यान नहीं रखेंगे तो शायद ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हम सही तरीके से नहीं निभा पाएंगे। तो अपने लिए नहीं सही, अपने परिवार के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने लिए टाइम निकालें, इस दृष्टिकोण से सोचें ताकि हम हर हाल में दुरुस्त रह सकें। तो पहली चीज़ जो कि वैसे तो हर किसी को अपनी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए, हर एज ग्रुप में इंक्लूड करनी चाहिए, लेकिन स्पेशली 40 की एज के बाद, क्योंकि हमारे सेल्स जो है उनका रिजुविनेशन प्रोसेस बहुत धीमा पड़ जाता है, हमारी बॉडी का हर एक सिस्टम एकदम से नीचे वाले कर्व की तरफ मुड़ना शुरू हो जाता है, बिकॉज 40 की एज में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जो हमारे शरीर को अंदर से खोखला करते चले जाते हैं। तो क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है अपनी डाइट में इंक्लूड करने के लिए, वो है आंवला। आंवला को आयुर्वेदा में अमृत माना गया है, आंवला को आयुर्वेदा में बुढ़ापे का दुश्मन माना गया है, यानी कि ये हर हाल में आपकी बॉडी को फिट रखता है, हर एक ऑर्गन के लिए आंवला बेनिफिशियल है। स्किन की बात करें तो स्किन पर झुर्रियाँ नहीं आने देता है, ब्लेमिशेस को दूर करता है। 40 की एज में अक्सर महिलाओं के फेस पर पिगमेंटेशन हो जाती है, ब्राउन ब्राउन स्पॉट्स या जिसे एज स्पॉट्स भी कहते हैं वो होने लगते हैं, आंवला खाएंगे तो ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। स्किन कॉम्प्लेक्शन डल हो जाता है, अनइवन स्किन टोन हो जाती है, ये प्रॉब्लम नहीं होगी। कई लोगों के बाल समय से पहले सफ़ेद होने लगते हैं या हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, बाल बिल्कुल गिरते ही जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं और एक एक बाल इतना पतला हो गया है और जो आपके स्कैल्प पर बालों के बीच में ये गैप होता है ये वाला, ये बढ़ता ही चला जाता है, तो आप आंवला ज़रूर खाएं। अगर आपको डाइजेशन की कोई भी प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेटेड रहती हैं महिलाएँ 40 की एज के बाद, बहुत सारी महिलाओं के उदाहरण हैं हमारे सामने, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि पूजा मेनोपॉजल एज में आते ही ना मतलब कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो गई या ब्लॉटिंग रहती है कई लोगों को या फिर खट्टी डकारें आती है, आंवला
ठीक है, बहुत अच्छा है आपके लिए। अगर आपका हाई बीपी है तो भी आंवला आपके लिए अच्छा है, डायबिटिक हो तो भी आंवला आपके लिए अच्छा है, अगर आपकी इम्यूनिटी लो है, बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगे हो, आंवला खाइए, बहुत जल्दी सुधार आएगा। इवन आंवला खाने से आपका जो लिवर है वो भी डिटॉक्सिफाई होता है, आपकी किडनी के लिए आंवला बहुत अच्छा होता है। तो हर एक, जैसे कि मैंने बताया ना, हर एक ऑर्गन के लिए आंवला बहुत अच्छा है। अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है, या फिर आपका यूट्रस वीक है, या फिर आपकी ओवरीज में सिस्ट है, तो भी आंवला आपके लिए अच्छा है। आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस बार बार होते हैं, यूटीआई की प्रॉब्लम बहुत सारी महिलाओं को हो जाती है, या फिर आपको ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम है, तो भी आंवला का सेवन बहुत बहुत उपयोगी है। तो कैसे कंज्यूम करना है, आप क्या करें, सुबह खाली पेट एक ग्लास पानी लें, उसमें आपने एक चम्मच आंवला जूस डालना है, और साथ में चाहे तो एलोवेरा जूस एक चम्मच मिला सकते हैं, ना भी मिलाएं एलोवेरा तो आंवला जूस का एक चम्मच एक ग्लास पानी में मिलाएं, और सुबह फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग लेना है आपको, ये आपकी ये सब प्रॉब्लम्स को आपसे दूर रखेगा। ठीक है जी, और अगर आंवले का सीजन नहीं है, फ्रेश आंवला नहीं आ रहा है, वैसे तो अभी आ रहा है, बट जिन दिनों फ्रेश आंवला नहीं आता उस दिनों आप आंवले का चूर्ण ले सकते हैं एक चम्मच, आप पानी में मिला करके पी लें, या पहले चूर्ण खा लें उसके बाद पानी पी लें। आंवला कैंडी इस एज में ना उपयोग करें, क्योंकि बहुत सारा शुगर कोटेड होता है उस पर, तो कहीं ना कहीं वो आपकी बॉडी के लिए उस तरीके से काम नहीं करेगा जैसे कि आंवला चूर्ण या फिर आंवले का जूस। तो आंवला खाना है आपने। दूसरी चीज़ जो अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है वो है अलसी। अलसी गुणों का खजाना है, इसमें होता है ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, और ये आपके शरीर में जो एक्सेस फैट है उसको दूर करने के लिए भी तो सहायी है ही, साथ ही साथ आपकी स्किन को झुर्रियों से भी बचाता है। फ्लैक्स सीड्स आपकी हेयर रीग्रोथ में सहायक होते हैं, अगर हेयर फॉल हो गया, बाल दोबारा उगी नहीं रहे हैं, तो फ्लैक्स सीड्स खाइए, बालों का घनापन बनाते हैं फ्लैक्स सीड्स, साथ ही साथ डाइजेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इस उम्र में क्या होता है, हाथ पैरों में दर्द शुरू हो जाता है कई लोगों को, या ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही स्लो हो जाता है, मतलब कुछ भी काम करते हैं तो कभी कलाई में दर्द, कभी कंधे में, कभी कमर में दर्द, कभी घुटनों में दर्द, अगर ये वाली समस्याएं उत्पन्न होने लगी हैं तो फ्लैक्स सीड्स इस चीज को टैकल करेंगे, इसका इतना फायदा आपको मिलेगा कि आपकी जो दर्दें हैं ये काफी हद तक दूर होने वाली है। और क्या करते हैं फ्लैक्स सीड्स, आपके हार्ट को हेल्दी रखते हैं, हार्ट के लिए बेस्ट सुपर फूड है फ्लैक्स सीड, और बहुत सस्ते आते हैं। अलसी आपको कहीं भी मिल जाएगी, 15-20 रुपए का आपको 200 ग्राम का पैकेट मिल जाता है, और इसे डेली डाइट में जरूर इंक्लूड करना है। चाहे तो इसको रोस्ट करके सैलड के ऊपर स्प्रिंकल करके खा लें, चाहे इसको पाउडर बना करके शहद में मिला करके खा लें, चाहे इसको आटे में गूंध लें, कई तरीके हैं फ्लैक्स सीड को यूज करने के। चाहे आप रात को पानी में भिगो करके रख दें एक चम्मच फ्लैक्स सीड, और सुबह वो पानी फ्लैक्स सीड्स के साथ ही गल्प कर लें, बिकॉज वो जेली बन जाएगा पानी। तो किसी भी तरीके से आप इसे कंज्यूम कर सकते हो। तीसरी चीज जो डाइट में तो नहीं, बट यस मैं इसे डाइट ही कहूंगी, बिकॉज दिस इज ऑक्सीजन डाइट, तो अनुलोम विलोम 40 की एज के बाद रेगुलरली 15 मिनट्स अ डे मिनिमम एंड हाफ एन आवर अ डे मैक्सिमम आपको करना ही करना है। अनुलोम विलोम क्या करेगा, आपके शरीर में वात पित्त और कफ को बैलेंस करेगा, और जो भी बीमारियां 40 की एज के बाद हमें लगती हैं, चाहे वो बीपी की प्रॉब्लम है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, मोटापा है, ओबेसिटी है, अर्थराइटिस है, ये वात पित्त कफ के इम्बैलेंस की वजह से होती है। तो जो भी ये प्रॉब्लम्स है हेल्थ से रिलेटेड, वात पित्त कफ के इम्बैलेंस से रिलेटेड, वो क्योर करेगा आपका अनुलोम विलोम। ठीक है, साथ ही साथ ये आपके शरीर की 72,000 नाड़ियों को साफ करता है, उनमें जो भी अशुद्धियां हैं उनको दूर करता है, तो नाड़ी शुद्धिकरण करता है अनुलोम विलोम, जिससे क्या होगा, हार्ट में ब्लॉकेज नहीं होगी, नसों में ब्लॉकेज नहीं होगी, वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम नहीं होगी। अनुलोम विलोम क्योंकि आपकी सारी नाड़ियों को शुद्ध करता है, तो इससे आपके फेस पर अलग ही ग्लो आता है, आपके बाल बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, बालों की हेल्थ सुधरती है। तो हर एक बीमारी के लिए अनुलोम विलोम भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, तो ये भी ऑक्सीजन डाइट है जो आपको लेनी है। क्या करना है आपको, सुबह उठकर खाली पेट, या फिर शाम को जब भी आपको टाइम मिले, खाली पेट होना चाहिए बस, और आपको ऑल्टरनेट ब्रीदिंग करनी है, एक नोस्ट्रिल से सांस लेनी है, दूसरे से छोड़नी है, फिर इसी नोस्ट्रिल से सांस लेनी है,
ऐसे मिनिमम 15 मिनट्स एंड मैक्सिमम 30 मिनट्स डेली। बस ये तीन चीजें आप अपनी लाइफ में अपना करके देखिए, यू नो आपकी जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स अभी होने लगी हैं आपकी दूर होती चली जाएंगी। एंड जब आप इनकी हैबिट आपको पड़ जाएगी, जब आप यूज टू हो जाओगे इन तीनों चीजों के, तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ में कितना सुधार आया है, या जो प्रॉब्लम्स, जो हेल्थ इश्यूज आपको आने वाले थे वो नहीं आएंगे, मूड स्विंग्स नहीं होंगे, हॉट फ्लैशेस की प्रॉब्लम होती है प्री मेनोपॉज़ल पीरियड में वो नहीं होगी, पीरियड्स ऊपर नीचे होते हैं, बहुत ज़्यादा कमजोरी आती है, कई लोगों को ब्लड का फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाता है इन दिनों, तो कई लोगों को होता कम है लेकिन बार बार पीरियड्स आते हैं, ये प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर कई लोगों की हड्डियाँ वीक हो जाती हैं, वो प्रॉब्लम नहीं होगी। स्किन जो है वो डल पड़ जाती है, झुर्रियाँ आने लगती हैं, बाल गिरने लगते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं होगी। आपकी फिटनेस लेवल बढ़ जाएगी, आप एक्टिव महसूस करोगे, मूड स्विंग्स, गुस्सा, थकान, कमजोरी, ये सब कुछ नहीं होगा 40 की एज के बाद, अगर ये तीन चीज़ें आप अपना लोगे। नॉर्मल डेली डाइट तो आपको फॉलो करनी ही है, वो सब ध्यान जो रखने हैं वो तो रखने ही है, साथ ही ये तीन चीज़ें आपने अपनानी है, आप देखोगे कि आपकी लाइफ में कितना बड़ा परिवर्तन आएगा। तो फॉलो कीजिए इस रूटीन को, एंड कैसे रिजल्ट्स मिले ज़रूर ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है पूजा लूथरा ऑफिशियल, और फेसबुक पर भी मुझे जुड़ सकते हो, और कमेंट करके ज़रूर ज़रूर बताना है आपने कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप भी अगर 40 की एज से गुजर रहे हैं तो आपको क्या तकलीफें हो रही हैं, या आप किस परेशानी से गुजर रहे हो, ज़रूर शेयर कीजिएगा, बिकॉज हम सब एक दूसरे के साथ अगर अपनी बातें शेयर करेंगी तो कहीं ना कहीं दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी इन सब चीज़ों को फॉलो करने की। तो ये था आज का वीडियो, कल मिलूंगी एक बहुत ही अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय।